तो गाइस कुछ बंदे को लगता है कि ड्रैग हेडशॉट मारना बहुत ही ज्यादा इजी है, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस फायर बटन को प्रेस करके ऊपर की ओर ड्रैग करना पड़ता है, बस हमारा ड्रैग हेडशॉट वर्क कर जाता है। भाई यार अगर इतना ही आसान है तो आपका ड्रैग हेडशॉट वर्क क्यों नहीं करता? ये फंस गया। बिकॉज यार ड्रैग हेडशॉट इतना ज्यादा भी आसान नहीं है, आपको कुछ चीजें जानना पड़ेगा जिसके ऊपर आपका ड्रैग हेडशॉट वर्क करेगा। भाई देखो यार ऐसा नहीं है कि सिर्फ फायर बटन को प्रेस करके ऊपर की ओर ड्रैग कर देने से आपका ड्रैग हेडशॉट इजीली वर्क कर जाएगा, भाई बिल्कुल भी नहीं। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी चीज के ऊपर बात करने वाले हैं, और भाई मां कसम बता रहा हूं वीडियो को देखने के बाद ना आप लोग भी एकदम प्रो प्लेयर्स की तरह ड्रैग हेडशॉट मारना सीख जाओगे। और देखो यार वीडियो में आगे जाने से पहले बताना चाहता हूं कि भाई आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, भाई कमेंट करके बताओ कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो यार उसके ऊपर तुम्हारा भाई वीडियो बना देगा, तो भाई कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और देखो यार आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो और सोच रहे हो कि भाई इस बंदे को सब्सक्राइब करें या फिर ना करें, तो आपको बताना चाहता हूं कि भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग तो इतने पीसी प्लेयर को सपोर्ट करते हो, भाई हम लोग तो यार शिकार है ना, तो सपोर्ट कर दो यार, भाई आपका एक सब्सक्राइब से मेरा घर बच जाएगा, तो कर दो यार। गेम्स खेलते खेलते थक जाओगे लेकिन विंडो पर गेम्स खत्म नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ है क्रिकेट, लूडो, फ्री सेल, स्नैक रश जैसे 70 से भी ज्यादा एक्साइटिंग गेम्स, जैसी स्किल वैसी गेम्स, तो खेलो और जीतो लाखों के कैश रिवर्ड्स, और डायरेक्ट विदड्रॉ करो पेटीएम, यूपीआई या बैंक में। सिर्फ गेमिंग नहीं शॉपिंग भी करो, विंडो स्टोर पर मिलता है एसफल्ट, माइनक्राफ्ट, फ्री फायर गेम्स की करेंसी सबसे सस्ते दाम पर, और बिग बाजार, डोमिनोज, मैंत्रा, हॉटस्टार, गाना जैसे कई बड़े ब्रांड्स की डिस्काउंट कूपन भी। इतना ही नहीं रोज विंडो स्पिनर घुमाओ और जीतो रिवार्ड्स रोजाना, और 10 दिन के लगातार स्पिन ट्रिक बनाकर जीतो बाइक, स्मार्टफोन और वीकली जैकपॉट ऑफ अप टू 25 लाख। अब विंडो पर इतना कुछ है और कितना बता, विंडो डाउनलोड करो और खुद एक्सपीरियंस करो। तो देखो यार सबसे पहले ड्रैग मारने के लिए आपको जो चीज अच्छे से समझना है वो है एनिमीज पोजीशन। अब देखो यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो भाई अब ये चीज क्या है, देखो यार एनिमी का जो पोजीशन होता है, एनिमी का एक पोजीशन हमारे गेम में नहीं होता है, कई सारे पोजीशन एनिमी का होता है, जैसे कि एनिमी स्टील खड़ा है या फिर एनिमी लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड में भाग के जा रहा है या फिर एनिमी आपके साथ फेस टू फेस फाइट करा है, तो ऐसे एनिमीज पोजीशन होता है और जो हम लोग नोटिस नहीं करते और ड्रैग मार देते, जिसकी वजह से हमारा ड्रैग सही से वर्क नहीं करता। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो यार कोई एनिमी अगर स्टील खड़ा है तो वहां पे आप लोग क्या करें कि फायर बटन को आप लोग प्रेस करके बिल्कुल स्ट्रेटली, एकदम स्ट्रेटली आप लोगों को ड्रैग करना है, तभी आपका जो एम है आपका एम एनिमी के हेड तक पहुंच पाएगा। अब देखो दूसरा जो पोजीशन है कि एनिमी अगर आपके साथ फेस टू फेस फाइट कर रहा है तो वहां पे क्या करता है कि एनिमी का कैरेक्टर थोड़ा सा इधर उधर होता है, मतलब जॉयस्टिक बटन का एनिमी यूज करता है तो उसका कैरेक्टर थोड़ा सा इधर उधर होता है, तो वहां पे आपको नोटिस करना है कि एनिमी का कैरेक्टर कौन से तरफ जा रहा है, तो उसके हिसाब से आपको फायर बटन को प्रेस करके बिल्कुल स्ट्रेटली उसी तरफ ड्रैग कर देना है। अब देखो कोई एनिमी अगर लेफ्ट साइड में भाग के जा रहा है रनिंग मूवमेंट पे, तो वहां पे मैंने देखा है कि बहुत सारे बंदे क्या करते हैं वहां पे स्ट्रेट ड्रैग का यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनका एम क्या होता है, उनका एम सीधे जाता है, जिसकी वजह से उनका एम रिकॉइल मार जाता है, एनिमी के हेड तक पहुंच नहीं पाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि एनिमी अगर लेफ्ट साइड में भाग के जा रहा है तो वहां पे आपको फायर बटन को प्रेस करके बिल्कुल लेफ्ट साइड की ओर ड्रैग करके ले जाना है। अब देखो एनिमी अगर राइट साइड में जा रहा है तो वहां पे सेम चीज करना है कि आपको फायर बटन को प्रेस करके बिल्कुल राइट साइड की तरफ लेके जाना है, तभी आपका ड्रैग हेडशॉट बिल्कुल प्रो प्लेयर्स की तरह वर्क करेगा। अब देखो ड्रैग के गन में इमलॉक करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब कुछ बंदे क्या करते हैं कि ड्रैग के गन में एम को वाइट रखते हैं, भाई ये गलती तो सबसे पहले आप लोग बंद कर दो, क्योंकि ये गलती अगर करोगे तो आपका ड्रैग हेडशॉट कभी भी अच्छे से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ड्रैग के गन में आपको ऑलवेज एम को रेड करना है, लेकिन कहाँ पे, एनिमी के चेस्ट के जितना हो सके उतना ऊपर, मतलब अप चेस्ट बॉक्स में आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको इमलॉक करना है। अगर आप लोग सही से यहाँ पे इमलॉक कर लेते हो तो भाई वहाँ पे सिर्फ आपको रेड नंबर्स देखने को मिलेगा, हाँ भाई सिर्फ रेड नंबर्स आपको देखने को मिलेगा अगर आप लोग यहाँ पे एमलॉक कर लेते हो। ये क्या है? अब देखो बहुत सारे बंदे को मैंने देखा है कि वो लोग जब ड्रैग मारने की कोशिश कर रहे हैं तो उस मोमेंट पे वो लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि वो लोग जो ड्रैग मार रहे हैं ना, तो उसी मोमेंट पे वो लोग अपने जॉयस्टिक बटन का यूज करके अपना जो कैरेक्टर है, अपना कैरेक्टर को कभी लेफ्ट साइड कभी राइट साइड में ऐसे हिलाते रहता है। क्या बोला तूने? ऐसे हिलाते रहता है, ऐसे हिलाते रहता है, बड़ा हरामी हो बेटा।
जिसके वजह से जो उनका एम होता है उनका एम काफ़ी हद तक रिकॉयल मार जाता है। मतलब अगर आप लोग ऐसा करोगे ड्रैग मारते मारते तो वहाँ पे आपका एम एनिमी के हेड तक पहुँच के भी आपका जो बुलेट्स है आपका बुलेट्स एनिमी के हेड के आसपास से निकल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपका गन काफ़ी ज़्यादा हद तक रिकॉयल मारेगा। तो जब आप लोग ड्रैग मार रहे हो तो उस मोमेंट पे आपको बिल्कुल स्टील खड़ा होना है। हाँ भाई, चाहे आप लोग नूब वॉक करके जा रहे हो या फिर आप लोग मूवमेंट के साथ जा रहे हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप लोग जब ड्रैग कर रहे हो तो उस मोमेंट पे आपको बिल्कुल स्टील खड़े होना है और फिर आपको ड्रैग मारने की कोशिश करना है, तभी आपका ड्रैग हेडशॉट प्रॉपरली परफेक्टली वर्क करेगा। अब देखो यहाँ पे वीडियो खत्म नहीं होता है भाई, यहाँ पे मैं आपको कुछ सेटिंग्स बताने वाला हूँ जो आपका बहुत ही ज्यादा काम में आने वाला है जब आप लोग ड्रैग मारने जाओगे। तो देखो यार, सबसे पहले जो सेटिंग आपको करना है वो आपको मोबाइल के सेटिंग के अंदर चले जाना है और फिर यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है पॉइंटर स्पीड। भाई ये सेटिंग तो सबको पता ही है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि पॉइंटर स्पीड आपको हमेशा यूज करना है। इससे आपका एम के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट आता है, जिससे आप लोग ड्रैग और भी अच्छे से मार पाओगे, क्योंकि सारे प्रो प्लेयर्स यूज करते हैं। और देखो दूसरा सेटिंग जो आपको यूज करना है वो है टच एंड होल्ड डिले। हाँ भाई, टच एंड होल्ड डिले आपको जरूर यूज करना है। इससे क्या होता है, इससे जब आप लोग ड्रैग मारोगे मतलब फायर बटन को प्रेस करोगे ना, तो वहाँ का जो टच रिस्पॉन्स है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर देगा, तो आपको ड्रैग मारने में और भी ज्यादा आसानी होगा। अब देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा सेंसिविटी सेटिंग्स बता देता हूँ। आपको सेंसिविटी में क्या करना है, देखो यार, जिनके पास लो डिवाइस है जैसे कि 2 GB RAM, 3 GB RAM या फिर 4 GB RAM के डिवाइस है, तो वो लोग सेंसिविटी कह रहे हैं कि देखो भाई आपको जनरल सेंसिविटी को बिल्कुल 100 रखना है, कोई भी छेड़खानी नहीं करना है। लेकिन जो रेड डॉट के सेंसिविटी है, रेड डॉट के सेंसिविटी को भी आपको बिल्कुल 100 रखना है। हाँ भाई, अगर आप लोग कम रखोगे तो भाई ड्रैग मारने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी, ठीक है ना। तो यार आपको बिल्कुल 100 रख देना है। लेकिन यार जिनके पास हाई डिवाइस है जैसे कि 6 GB RAM, 8 GB RAM, 12 GB RAM या फिर जिनके पास आईफोन है, तो भाई वो लोग सेंसिविटी को कह रहा है भाई आपको तो जनरल सेंसिविटी को बिल्कुल 100 रखना है, लेकिन जो रेड डॉट के सेंसिविटी है, रेड डॉट के सेंसिविटी को आपको भाई 89 रखना है, उसमें ही आपको सबसे बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे कस्टम मोड के अंदर आपको एक सेटिंग करना है। क्या सेटिंग करना है, यहाँ पे आपको डबल फायर बटन यूज करना है। हाँ भाई, डबल फायर बटन आपको यूज करना है। और भाई देखो यार, फायर बटन के ऊपर मैंने एक प्रॉपरली वीडियो बना के रखा है, जो वीडियो आपको इस वीडियो को बिल्कुल अंत में देखने को मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग देख लेना कि डबल फायर बटन को कैसे रखें। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ डबल फायर बटन का काम क्या होता है, कि यहाँ पे भाई आपका एम बहुत ही कम रिकॉयल होगा, मतलब एकदम भाई 100% रिकॉयल ही नहीं होगा ऐसा नहीं बताऊंगा, लेकिन यार 90% आपका एम का रिकॉयल कंट्रोल कर देगा डबल फायर बटन। तो वैसे यार ये सब कुछ सेटिंग आप लोग यूज कर सकते हो, इससे आपको ड्रैग मारने में काफी ज्यादा आसानी होगा। और भाई आप लोग वीडियो में कमेंट करके मुझे बताना कि नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक आपको किसके ऊपर चाहिए, तो उसके ऊपर तुम्हारा भाई वीडियो बना देगा। और कैसे यार, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते तो भाई कर दो यार। और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, तो दिखाओ यार, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ।